Hi, main hu Terence Lewis and this is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. Agar aap is Shahrukh ko apni awaaz dete to kya gaana gaate inke liye? Ae kaash ke hum hosh mein ab aane na paaye bas nagme tere pyaar ke gaate hi jaaye. Mera gaana bhul raha tha main beech beech mein uske taraf dekh ke. मैं सोचा कि उसको ना देख के गाऊं तो ठीक रहेगा। लेकिन आपको बता दूं, जितने खराब ये एक्टर है उतने ही अच्छे ये डांसर है। क्या बात है, वाह। सो इंडिया सुपर हिट संडे विद सानू दामे आ रहे हैं वो इंडिया बेस्ट डांसर जिनका पहला स्कूल पहला गुरुकुल है दिल्ली से अनिकेत चौहान और इनके नए कोरियोग्राफर गौरव सारवान। हाँ बोल, अपने ऑफिस में एक नई लड़की आई है। क्या बात कर रहा है, क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता लेकिन उसका दुपट्टा याद रह गया है। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता। किसी ने मेरा दुपट्टा देखा? अब आएगी हमारे पास भागते भागते दुपट्टा मांगने। पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। पहली मुलाकात में लड़की नहीं खुलती, हर अजनबी पे दिल की ये खिड़की नहीं खुलती, खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती। कहाँ चली गई? एक काम करता हूँ, मैं उसे दुपट्टा देकर आता। ओए, दुपट्टा मुझे मिला था। मेरी वाइफ का लाल दुपट्टा यहाँ रह गया था, तुमने देखा है क्या? ऐसा ही कुछ था। अनिकेत एंड गौरव के लिए
अनिकित, मैं आज के परफॉर्मेंस की बात करूंगा कि इट वॉज अ जोरदार परफॉर्मेंस. मतलब तुमने कई कसर नहीं छोड़ा कि टू एंजॉय द परफॉर्मेंस. आप बहुत इतना एंजॉय करते तब हमें भी मजा आता है. सो आई वुड से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, वेल डन बोथ ऑफ यू. तुम कुछ नासिक के आके और इतना अच्छा डांस कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है. देखो, हमको तो हमारे घर पे ही गुरुकुल मिल गया था. हमारे घर में ही सब कुछ थे, गाने बजाने का जो था जी. तो तुम लोगों के लिए यही मंच जो है, यही तुम्हारे गुरुकुल है. यस, कीप इट अप, इस तरह से करते रहो. फैंटास्टिक, मेरे को बहुत मजा आया. क्या थी आपकी उम्र जब आपने गाना शुरू किया सानू? मैं 8 साल की उम्र में आई वॉज ए तबला प्लेयर फर्स्ट. घर पे ही क्लास वास होता था, डैडी प्योर क्लासिकल में था. फिर आपने तबला छोड़ के गाना कब? ये हुआ 1979 में. हे मेरा बड़ी दीदी बड़ा दादा दोनों गाया करते थे स्टेज पे, तो हम उनके साथ ढोलक तबला एंड कॉन्गो ये सब बजाते थे. तो एक जगह था नई हटी, जहाँ पे रेल लाइन के ऊपर पंडल वंडल बना के, बहुत दादा गुंडा का, दादा भाई भाई लोगों का शो था. उस जगह पे स्टेज खाली जा रहा था, तो किसी ने कान में भर दिया प्रोमोटर्स के कि भाई ये अच्छा गा लेते हैं, इसको अभी खाली जा रहा है स्टेज, इनसे गवा हुआ एक दो गाना, तब तक आ जाएगा हमारा आर्टिस्ट. तो वही शुरुआत है. तो मेरे को धमका मुमका वो स्टेज में खड़ा कर दिया, मैं डर के मारे गा भी दिया, तो लोगों ने बहुत तालियां बजाए. और मैं तो कांप कांप के डर के मारे स्टेज के इस कोने से लेकर उस कोने तक जा रहा हूँ, तो लोग सोच रहे हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है. एंड म्यूजिशियंस लोग सब घर में आके डैडी को बोला, अरे आज तो सानू ने कमाल कर दिया, एकदम नाच नाच के गाना गाया पूरा. तो डैडी ने बाल पकड़ के मेरे को ऐसा चांटा लगाया उधर ही, बोले कभी स्टेज पे नाचना नहीं, गाना गाना है तो गाना गा, नाचना बंद. तो बातों बातों में हम लोगों को बाल पकड़ के झूला लेते थे. क्या जर्नी है और क्या कहानी है. Absolutely. मतलब शुरुआत कहाँ से, एज अ फिलर शुरू हुई एंड अब स्टेज के बेताज बादशाह है. बिल्कुल अमेजिंग, अमेजिंग. बेसिकली मैं सानुदा को बताना चाहती हूँ, जैसे सानुदा जब गाना गाते हैं हम मानते हैं कि वो कोई भी गाना गा सकते हैं, ही इज लाइक एन ऑलराउंडर इन एवरीथिंग. हमारा शिवम भी ऑलराउंडर समझ लीजिए. अच्छा. सब कुछ कर लेता है, एक ही चीज में मार खाता है. किस में? रोमांस में. हाँ दादा, इनकी बात नहीं बन रही कहीं पे भी. जिस लड़की को जाके प्रपोज कर लेता है या उसको प्यार की बात बता देता है, वो फ्रेंड जोन हो जाता है. फ्रेंड जोन क्या है, जरा मेरे को समझा जरा. सर फ्रेंड जोन मतलब समझो कोई आपको एक लड़की अच्छी लगती है, हाँ. वो लड़की आपको भी भाव दे रही है, महीनों महीनों आप बातें कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, और अब आप जब शादी तक के सपने देख लेते हो और लड़की को प्यार का इजहार करते हो, तो लड़की बोलती है शिवम यार हम बस दोस्त है, उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते. तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है. मतलब जिसे मैंने अपना माना, निकला किसी और का गाना. दादा लेकिन बहुत कोशिश करता है. देख प्यार उस तरह से नहीं होता है, प्यार करने के लिए थोड़ा सा वो अलग स्टाइल होता है. हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जरा वो कॉर्ड दे, देख ये देख कैसे प्यार होता है कैसे. ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. लुक भी ऐसा देने का ना, फिर आगे वाला थोड़ा सा उसके अंदर कुछ होए, ऐसा ना. हाँ एक चीज याद रखना, लड़कियों को अगर तू तारीफ कर दिया वो तेरा फिदा होगा. तो ऐसा आ रहा है, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया. एक लड़की को समझ गया ना. आहा, क्या बोलेगा जरा बता. ये सेम चीज जो दादा ने अभी गीता जी के साथ किया, सेम टू सेम तेरे को वैभव के साथ करना है. हाँ करके बता. ये वो सुन के मारा जाएगा. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता
गुलाब जैसे काला गुलाब जैसे उजड़ी किरण जैसे मन में हिरन जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो बेटा दिया बुझ जाएगा दिया बुझ जाएगा कोशिश मत कर नहीं नहीं मैं बोल दिया ना तू हार मत मानना हाँ लेकिन गाना कभी मत गाना हाँ ये एक मेरी मन की बात कह दिया फिर नहीं होगा उनके सामने ये इस तरह से गाना नहीं गाना तो नहीं तो जलता हुआ दिया भी बुझ जाएगा चलिए फिर एक बार जोरदार ताला हो जाए शिवम के लिए एंड वैभव के लिए ऑल राइट सो जजेस ये जो नाम है ना कुमार इस नाम में ही कुछ मैजिक है इस नाम का सिंगर अगर कोई हो तो वो म्यूजिक की दुनिया का सरताज बनता है और इस नाम का डांसर अगर कोई हो तो वो डांस का महाराज बनता है क्या बात है सो इंडिया सुपर हिट संडे विद सानू दा में स्वागत कीजिए उनका जिनका नाम है कथक के दिग्गजों में शुमार कोरियोग्राफर कुमार जोरदार ताले हो जाए नमस्कार सर नमस्कार मैम नमस्कार सर नमस्कार माँ हेलो नमस्कार एवरीवन महाराज पहले तो कुमार हम सब यहाँ से आपका स्वागत करना चाहेंगे थैंक यू सो मच आपने हमारे शो पर आके शोभा बढ़ा दी मैं कुछ हफ्तों से बहुत फॉलो कर रहा हूँ इंडियाज बेस्ट डांसर को और मैंने देखा कि किस तरह से हंसवी उसमें इतनी एक्सप्रेशंस की इतनी मैच्योरिटी है और इतना सुंदर उसका अभिनय है इतने शार्प अंग हैं और वो प्योर साइड को कथक की रिप्रेजेंट कर रही है इस स्टेज पे और शिवांशु को मैंने देखा है वो इतने सारे दूसरे स्टाइल्स को फ्यूज़ करता है कथक में जो कि आई थिंक अमेजिंग है और उसने नया नज़रिया दिया है क्लासिकल डांसर्स को सो मैं दोनों का फैन बन गया हूँ उनको देखकर और इसीलिए आज इस मंच पे मैं शिवांशु और हंसवी को दोनों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ ऑल राइट देन सो चलिए फिर इंडिया सुपर हिट संडे विद सानू दामे अपने नए कोरियोग्राफर के साथ बुलंदियों का नया आसमान छूने आ रहे हैं डांस के 56 भोग सतना मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनके कोरियोग्राफर विवेक थैंक यू सो मच महाराज जी बचाऊंगा आप शिवांशु इस दुनिया में लाखों दिल धड़कते हैं पर एक दूसरे के लिए धड़कने वाले दिल किस्मत से मिलते हैं
एक नजर प्यार से देख लो फिर से जिंदा कर दे और मिलने को क्या जाने विवेक थैंक यू. एक नया अंदाज शिवांशु का देखने मिला है. प्यार कभी ओ, मरता नहीं. कोरियोग्राफिकली वेरी वेरी वेल डन विवेक, लेकिन मेरा शिवांशु अच्छा नहीं करता तो मेरा विवेक का काम कैसे अच्छा दिखता. करेक्ट करेक्ट. वेल डन, सो प्राउड विवेक. Thank you so much. Thank you so much. Lovely. Welcome to India's best dancer, bachche. Chanu ji with me. Too funny performance. Thank you so much. Thank you so much. भाई तेरा छप्पन भोग दुनिया को अच्छा लगेगा. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये छप्पन भोग. एंड सबसे बड़ी बात है मेरे इस गाने को इस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है ये मैं सोचा नहीं था. मेरे लिए तो मतलब सुपर डुपर परफॉर्मेंस है ये. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. सानुदा हमारे लिए एक बार ओजी इज ओजी यहाँ पर सुन के कुछ और ही मजा आएगा. एक बार वो गाना गाए. हाँ ये थी ना बात. तुम मिले तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. क्या बात है. महाराज जी आपको कैसे लगे आपके शिवांशु. शिवांशु तो है ही माइंड ब्लोइंग और सब लोगों को खड़े होने पे मजबूर कर दिया आप लोगों ने. इतना खूबसूरत था और बहुत मजा आया. सानुदा आज इन डांसर्स के बीच पे आप अकेले सिंगर हो. हाँ. तो अभी आपको कंपनी देने के लिए एक सिंगर आने वाला है. बहुत अच्छा. और ये वो सिंगर है जिनकी आवाज ने दिलों का मौसम बदल दिया. सो सुपर हिट संडे विद सानुदा में अब आ रहे हैं इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर ऋषि सिंह. जो मेरे सीने में है दफन इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन. दहक रहा है बन के शरार देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ हवन. ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः नमः. ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः नमः. महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ. ओम देवा देवा
जब तूने छुआ ओ देवा देवा ओ देवा देवा नमः 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 Rishi, welcome to India's Best Dancer. Congratulations on winning. Thank you. Thank you. Rishi, ये आपके लिए बनता है. Hi 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 hi. Thank you. Thank you so much. सर इंडियन आइडल के बाद जो मेरा फेवरेट जो शो है ये इंडियाज बेस्ट डांसर ही है. बहुत ज्यादा इस शो को मैं सिर्फ एक ही शख्स की वजह से फॉलो करता हूँ और एक ही शख्स और वो एक लड़की है. अच्छा ओ कौन? बहुत खूबसूरत सी लड़की है वो. बहुत प्यारी सी लड़की है वो. कौन हो सकती है? जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है वो सुष्मिता है. आए, सो स्वीट. आइए आइए सुष्मिता आ जाइए. मतलब आज लग रहा है मेरा ड्रीम पूरा हो गया आइडल के बाद, क्योंकि इनकी जो एक्सप्रेशंस हैं, इनके जो अदाएं हैं, जो दिखती है कहीं पे भी देखो, चाहे टीवी पे देखो, चाहे सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते टाइम देखो, तो वो मतलब नजरें फिर हटती नहीं है मेरी कभी भी. सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं आप? अरे सर मतलब जहाँ देखो वहीं दिख रही हैं. तो मैं क्या इनको जरा देखे हवा जाऊं. नोरबू ढेकी चिकी ठे. सुष्मिता अगर आपका देखना बंद हो गया होगा उनको, तो इनको डांस भी दिखाएं कि वो भी जान दे आज. जी सर बिल्कुल. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. सुनहारिए जिंद जानिए. सौ बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा. जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा. ख्वाब रहे किस काम के मेरे. ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा. सुनहारिए जिंद जानिए. जख्मों को मेरे मरहम की तरह बस तेरा छुआ चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. हाँ
Lovely. Oh, thank you so much. Superb. कैसा लगा सुष्मिता? मेरे को पता ही नहीं चला कब खत्म हो गए कब वो हो गए. ये लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे गाना गाया वो भी आईवीडी के स्टेज में और थैंक यू सो मच ऋषि. थैंक यू सो मच ऋषि. ज़ोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू. वो रात याद है तुम्हें? कैसे भूल सकता हूँ मैं, उसी दिन तो मैंने अपने प्यार का इजहार किया था. कितना खूबसूरत पल था ना वो. काश उस पल को हम फिर जी पाते. ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए. ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए. महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते कनकते ये होठों के जाम, आजू के साथ उठाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए. अब बोल भी दो ना. आई लव यू. काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए. मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि ये समर्पण का पहला परफॉर्मेंस है किसी लड़की के साथ. सोनाली जी आपको लग रहा है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा. I have to say कि हम सबसे ज़्यादा सोनाली is blown today. I love it, I love it. You know you're such a fantastic dancer, समर्पण. ये जो पहलू हैं आपके जो explored नहीं है और उसको देखना इतने हफ्तों के बाद फिर से एक नयापन आना is so amazing and भावना kudos to you. Thank you. आप समर्पण का ये side निकाल के लेके आए. So very well done guys. Thank you so much. क्या बात है दादा? Thank you so much ma'am. Thank you. हाँ क्या बात है यार, इतना खूबसूरती से रोमांस को दिखाया. खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते कनकते ये होठों के जाम. दोनों का केमिस्ट्री लग रहा था कि एकदम कमाल का है. एक गाने को मैं फिल्म देख के भी इतना एंजॉय नहीं किया जितना आज यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ. ये बहुत बड़ी बात है सर. गॉड ब्लेस यू सानुदा. मेरी एक रिक्वेस्ट है सानुदा, जब भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं एक चीज करता हूँ, क्या आप मेरे साथ आओगे? हाँ हाँ आ जाओ सर. Why not? क्या बात है, क्या बात है. ओए होए ये देखो ये बनता है. वाह क्या बात है, क्या बात है. ओहो कमाल है. गीता माँ सबसे पहले भावना वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट डांसर.
Thank you. हमने कभी भी समर्पण को कोई लिफ्ट करते हुए नहीं देखा. You know that first lift that you get entwined and you come out. It was done so nicely. ऐसा लगा कि ये लड़का रोज करता है ये. Thank you, ma'am. चुम्मेश्वरी पकड़. Yeah. अब ये होता है तूफानी performance. और ये होता है stupendo, fantastic. देखा? This is what you do when you do a good performance. हमको पागल कर दिया है. तो चलिए फिर roll. मूड ला रहा हूँ, मूड ला रहा हूँ. सर ओलंपिक्स में नहीं जाना, आपका पोजीशन ले रहा हूँ. मूड ला रहा हूँ, मूड. अच्छा मूड ला रहे हैं, मूड बना रहे हैं. अच्छा ऐसा मूड होता है, ऐसा आता है मूड. हाँ हाँ. लर्न समथिंग जी. दिखाओ दादा, मैं भी थोड़ा मूड में आता हूँ. हाँ, थोड़ा हिलाएगा ना तो मूड जम जाएगा. ये कमाल का मूड है दादा. एक्शन. फिर से लेट. हाँ सुबह सुबह उठा नहीं जाता यार. उठा नहीं जाता या डर गए थे? अरे डर डर किस बात की है? मैं किसी से डरता नहीं. हाँ राहुल किसी से डरता नहीं. yeah? पर अंजलि से बास्केटबॉल में रोज हार जरूर जाता है. आज तो मैं नहीं हारने वाला हूँ. ओके लेट्स सी. यस. वो देखो. इट्स ट्रू. खेलना नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो ना. अच्छी मुझे चीटर मत बोला करो. दैट्स व्हाट यू आर. चीटर चीटर चीटर. नो नो नो. राहुल इज अ चीटर. अरे मैं चीटर नहीं हूँ यार. चीटर. तुम भी हो चीटर चीटर चीटर. ओहो क्या बात है, क्या बात है. तो रूठ गए, रूठ गए. अच्छा है रूठ के उधर ही रहे. अरे रूठ ला उधर देख. दादा ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? आपका यूएसपी यूज करना चाहिए. माइक. माइक लाइए. माइक. हाँ. जल्दी जल्दी. हाँ रूठ ना जाना तुमसे कहूं तो मैं इन आँखों में जो रहूं तो तुम ये जानो या ना जानो तुम ये मानो या ना मानो मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं. रूठ न जाना तुमसे कहूं तो मैं इन आँखों में जो रहूं तो रूठ न जाना तुमसे कहूं तो मैं इन आँखों में जो रहूं तो तुम ये जानो या ना जानो तुम ये मानो या ना मानो मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं. रूठ ना जाना तुमसे कहूं तो. ये देखो अंजलि अंजलि. कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है अंजलि. जोरदार ताला हो जाए यार. मैम जब मैं स्कूल टाइम में था तो हम जब घर पे डांस करते थे या देखते थे तो वहाँ पे जो एक कोई बच्चा जो इंस्पायर करता था ना वो अक्षय पाल है उनमें से एक. मतलब मैं दिल से बोलूँगा कि इंडिया में बोलते ना कि बच्चे किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से एक अक्षय पाल था जिसकी तरह बच्चे बाल करते थे,
वो कलर करके वो पूरा वेविंग सब कुछ जो भी वो फ्लो विद चीजें करता था अमेजिंग. एंड इतने सालों बाद वो बरकरार रख के मेहनत करके अपने आप को समझा के दुख सह के यहाँ तक आना भाई, मतलब मैं तो दिल से प्यार है भाई, रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट. प्रेशर इतना ज़्यादा मिले नहीं है बट सोशल मीडिया पे हम लोग का बात होता रहता है. okay. और हम लोग एक दूसरे के डांस वीडियोस पे जब पोस्ट करते तो आग भेजते रहते हैं अंगार ये वो. तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है भाई से. और मैं IBT सीजन 1 में मैंने फॉलो किया भाई को, देखा तो मुझे इनका डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. थैंक यू. एंड फाइनली हम लोग मिले लाइक ऐसे स्टेज पे और कभी डांस किया नहीं साथ में, तो होप फ्यूचर में करेंगे. तो अरे तो देरी किस बात की है? एक सेकेंड पर जय. पॉपर सिर्फ अक्षय नहीं है, हमारे पास और भी हैं. करेक्ट. आ जाइए, कम ऑन. बूगी, सुष्मिता, सौम्या, गौरव. वाओ. ओ सनम तूने हाँ चैन चुराया मेरा, किसने ओ सनम तूने. ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है तू है. ओ नींद चुराई मेरी, किसने ओ सनम तूने. हाँ चैन चुराया मेरा, किसने ओ सनम तूने. ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है तू है. Season 1 and Season 2 ke winners on the same stage. Right. Alka, Soumya, thank you so much for this performance.
Fantastic here, you guys all. Fantastic. Okay, thank Lovely. You. Lovely, fantastic. Yeah. Thank you so much, everyone. Please take your seat. Thank you. Thank you, Tiger. Thank you so much. All right, so Dada, enjoying? Ekdam. Kya baat hai? Kya vaibhav? Kya bol raha hai? Jai. Hello, hello. Sir. हाँ जी. हम सभी आपके और आपके गानों के बहुत बड़े फैंस हैं. हम्म. मतलब ब्रेक हो तो हम आपके गाने सुनते हैं. किसको प्रपोज करना है तो आपके गाने सुनते हैं वगैरह. और एक दिल की ख्वाहिश भी थी कि कभी मैं जिंदगी में कुमार सानू दा का लाइव इन कॉन्सर्ट अटेंड करूँ. तो वो कभी कर नहीं पाया. लेकिन सर आज आप यहाँ हो तो एक ख्वाहिश है कि आपका कॉन्सर्ट हम यहाँ पे सुने. मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है. मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है. पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है. ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन. मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है. थैंक यू वैभव. अरे क्या कर रही है तू बैठे बैठे? कुछ नहीं, बस घर वालों ने लड़के के फोटो भेजे हैं शादी के लिए. क्या शादी? वैसे एक बात बता, हम तो तेरे बेस्ट फ्रेंड है, अगर हम दोनों में किसी से शादी करनी हो तो किससे करेगी? वो तो मुझे सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ. कुछ कुछ होता है. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है. देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है. अरे इतने दिन बाद आई है, कुछ डिसाइड किया क्या? डिसाइड कर लिया और तुम दोनों को मैं मेरी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ.
कुछ कुछ होता है। अरे उदास मत हो यार, देख जो भी हुआ अच्छा हुआ, उस वजह से हमारी दोस्ती में कुछ तकरार नहीं आई, और वो भी हमेशा हमारी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। कुछ कुछ होता है। क्या बात है, फैंटास्टिक। क्या बात है यार। विपुल, यू वर फ्लॉलेस इन दिस एक्ट, और इतना डिफिकल्ट कोरियोग्राफी सेट करा था, उसके अंदर आपको खेलना था इमोशंस के साथ, स्वैग भी लेके आना था, कहानी भी दिखानी थी, कॉमिक टाइमिंग भी करना था। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। मैं आपको खड़े होके ताली बजाऊंगा फॉर दिस एक्ट। वेल डन पंकज, कोरियोग्राफिकली ब्रिलियंट, ये बनता है तुम दोनों के लिए। गीता बा, मेरी तो खुश नसीबी रही कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। ओह यस, या बिकॉज वी वर शूटिंग इन ऊटी फॉर दिस सॉन्ग। आई वेंट बैक ऑल्सो टू दैट सॉन्ग बिकॉज ऑफ द इनोसेंस, इतने बच्चे थे उस गाने में, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद देम। यू हैव एन इनोसेंस अबाउट यू ऑल्सो विपुल, एक इनोसेंस है जो हमेशा बरकरार रखना, बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट अ वेरी नाइस एलिमेंट इन यू। आई लव टू वॉच यू परफॉर्म। थैंक यू। इंडिया सुपर हिट संडे विद सानु दा में आ रही है इंडियन आइडल सीजन 13 की फर्स्ट रनर अप देवस्मिता रॉय। जवानी जानी मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवान निसारे हो गया। जवानी जानी मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवान सारे हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकारी हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुलम हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। ओह जवान जान मैं हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसारे हो गया। स्वागत है आपका देवस्मिता। यू नो सीजन 13 में इंडियन आइडल में आपने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया था हमें, आप यहाँ आई हैं, अब बताइए रीजन क्या है यहाँ आने का? आज इस शो का शेर बच्चा अंजलि को मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। अंजलि इसलिए पसंद है, मैं ज्यादा मतलब ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तो आज मैं उसको लाइव देखने के लिए आई हूँ। So,
इंडिया सुपर हिट संडे में सोलो परफॉर्म करने आ रही है अपने घर की अकेली वॉरियर ममगाई परिवार की बुनियाद पौड़ी गढ़वाल से अंजलि ममगाई। जोरदार ताला हो जाए। अंजलि आपसे क्या कहा था? कि आप मेरी शेरनिया बोल गए। जी, मैंने कहा था कि मेरा जो शेर बच्चा है वो अब बच्चा नहीं रहा, शेरनी हो गई है। सो अंजलि, आज भी मैं देख रही हूँ कि आपने एक अनयूजुअल चॉइस किया है, जो नॉर्मली आप पिकअप नहीं करोगे वो आपने चूज किया है और बहुत मेहनत भी की। एंड आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू मैम। देखो स्मिता, आप यहाँ पर ही आ जाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा आपके अंजलि का परफॉर्मेंस। मैं तो डांस नहीं जानती हूँ बट मेरा बहुत बहुत अच्छा लगा। और वो जब भी आते हैं स्टेज पे ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिवली आता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस। उसके बारे में शो के दौरान मैं जैसा सुना कि वो 13 साल की उम्र में वो काम करना स्टार्ट किया और वो खुद पढ़ाई छोड़ के, वो उसका जो दो बहन है वो दो बहन का पढ़ा रही है और मम्मी को भी काम करने नहीं दिया, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जैसे लड़कियों के लिए तुम एक इंस्पिरेशन हो। मेरी शेरनी। थैंक यू मैम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।